ज्यादा रन से ये मैच जीतना है। ये टॉस ओसाका क्रिको ने ये टॉस जीता था और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। बहुत जरूरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का। ये लीजिए ऑफ स्टंप से बाहर, शफल की ऑफ स्टंप के बाहर सरमदमी जेलम ने, लेकिन गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, गेंद पहुंचा कीपर के महफूज हाथों में। दूसरा गेंद, इस बार उठाया है गेंद को, डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर मौजूद, लेकिन उसकी कति परवाह नहीं वहां पर सरमदमी जेलम को, गेंद उनके सर के ऊपर से गया 6 रन के लिए। पहला हमला, पहला छक्का बाऊ बिलाल 11 सियालकोट की जानिब से। सरमद हमीद के पहले छक्के ने नवीद जगा दी है बाऊ बिलाल 11 के लिए, जिस अंदाज से उन्होंने आगाज किया है। सजावल, ओ हेलो एंड गुड बाय, इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से एक और बुलंद वाला छक्का, सरमद हमीद जेलम को रोकना बड़ा मुश्किल है। इस बार रवाना किया इसको डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके जानिब, और कहीं थी ऐसी गेंद इस बार फील्डर से उनके पहुंचने से पहले बाउंड्री लाइन को बूर कर गई। शॉट रहेगा, उसामा अली जो है उन्होंने अब आगाज किया है एक बड़े बेहतरीन तरीके से। वो कहते हैं किताब पर जो है धूल पड़ जाने से कहानियां खत्म नहीं होती हैं, और बहुत उम्दा बॉल, अपील जरूर कर रहे हैं अली, लेकिन जी हां, फिंगर रेज एट दिस टाइम। उसामा अली अंपायर के फैसले से हैं वो नाहुश दिखाई देते हुए, खुद ही बाहर चले जाते हैं। आवाज जरूर है, किस चीज की आवाज है, आवाज है दाऊद। बहरहाल अंपायर चेक कर रहे हैं। उसामा वापसी होगी मायूसी के साथ, 5 बॉल पे सिर्फ 10 रन नहीं बना सके और एक छक्का सिर्फ उसामा अली ने लगाया है। यार क्या बात है इस नौजवान की, खूबसूरत तरीन शॉट आज के दिन का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वाह कमाल शॉट सरमद हमीद जेलम। चौथा गेंद, फुल टॉस था, आ बैल मुझे जरूर मार, डॉन बॉल देयर। इस बार गेंद मिड विकेट के ऊपर से गई है 6 रन के लिए। जी हाँ बिल्कुल, आज प्रेशर वाला मुकाबला, और जिस अंदाज से ये पावरफुल हिट करी है सरमद हमीद ने, तो बहुत बहुत शानदार, ये 75 मीटर का छक्का है। खूबसूरत मौसम, शानदार मैच। ये लीजिए गेंद हवाओं से बातें करती हुई ग्राउंड से बाहर, न्यू बॉल प्लीज, एक्सलेंट फ्रॉम सरमद हमीद जेलम। सरमद हमीद का बल्ला माशाल्लाह, बहुत ही शानदार छक्का लगाया गया है, और 85 मीटर का छक्का है, और इस दांव फिर से चक्कू की स्लाइड चला दिया यहां पे सरमद हमीद का बल्ला माशाल्लाह, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जी हाँ इस दफा अरसलान जमशेद आची बट, ओ माय गुडनेस, और अरसलान जमशेद आची बट ऑफ द मार्क विद 6 रन। ये आवाज आई है, जी हाँ नो बॉल है, पॉपिंग क्रीज को क्रॉस कर दिया है, और डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन भी मिलेंगे। ओसाका क्रिको की जानिब से बॉलिंग जारी, इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, एक और कैच, वाह आज तो तमाशाइयों के मजे ही मजे हैं दाऊद। या लव द स्टेशन ऑन द वे। ये लीजिए पहली गेंद, पहला हमला, लेकिन वापिस जाना होगा सरमद हमीद जेलम को, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 14 गेंद पर 45 रन बना रखे हैं, स्क्वायर लेग को बूर नहीं कर सकी ये गेंद। यह बड़ा उम्दा बॉल था यहाँ पे, यहाँ कराची के इमर्जिंग है, और छक्के लगाए सरमद हमीद ने, और इनिंग का डिपार्चर हुआ है। 5 गेंद हैं, बड़ा मैच है, बड़ा खिलाड़ी सामने, ऑफ स्टंप से बाहर, जी हाँ सिंगल और आउट हुए, कुर्बानी देना पड़ी यहाँ पर। अब मेरे ख्याल से वसीम को जो है 5000 देना पड़ेंगे मिर्ज़ा तैमूर को। बरल यहाँ पे वसीम लेफ्टी भी हैं, उनकी इनिंग का डिपार्चर होगा।
और जल्दी लौट गए हमारे लिए बाल था अच्छी बट जल्दी कर गए वसीम हालांकि रन लेना नहीं थे चाह रहे वसीम लेफ्टी अभी ना कोई रन बनाए वापसी हुई है रन आउट हुए लेफ्टी स्टेशन और जी हाँ अच्छी बट का बल्ला माशाल्लाह बेहतरीन छक्का लगाया गया है अच्छी बट के बल्ले से मिड विकेट की और 240 छक्के बकार से इस टूर्नामेंट के हो चुके हैं रोक पाएंगे या नहीं ये लीजिए गेंद हवा में फील्डर बिल्कुल नीचे है कीपर कोई गलती नहीं की और आज जैस टेबल प्रीमियर लीग में जिस अंदाज से कप्तान ने एम्पायर इंतजार किया ये बिल्कुल बहुत उम्दा कैच था यहाँ पे विकेट कीपर की जानिब से सो जिस अंदाज से इन पे जो है इतमाद किया है तो मैं समझता हूँ भरपूर तरीके से इस लड़के ने अपना बॉलिंग में बड़ी जबरदस्त जो है अपना की मैन साबित हुए आगे गेंद इस बार भी मौका है सिंगल आया अच्छी बट देखे पहुंच गए हैं अच्छी बट पीछे पीछे फादी बाजवा आगे आगे और इस रनिंग वकार पूरे पाकिस्तान में आप अगर खिलाड़ियों की रेस लगवा लें ना तो अच्छी बट है वो विनर होंगे क्योंकि इतनी तेज रनिंग पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में कोई नहीं सुपर फिट है ये रनिंग देखेगा अच्छी बट की और ये फाद अभी अपने एंड पे मौजूद है दोबारा पहुंच चुके हैं यार क्या आदमी है माशाल्लाह अच्छी बट छक्का लगाएंगे तो 100 को अबूर कर जाएंगे बहुत जरूरी गेंद या लेफ्ट स्टेशन उमदबे उठाया इस गेंद को कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से इस बार और इसी छक्के की तलाश थी रन पहुंचा 105 पर ओसाका क्रिको जिसको 106 रन दरकार है इस मैच में हसन लेफ्टी तैयार हैं गेंद करवाने के लिए ये पहली गेंद जैन को की जैन जिन्होंने ऊंचा शॉट फिजाई रास्ते अख्तियार किया 6 रन के लिए गेंद बाहर बहुत खूबसूरत बॉल लेंथ बॉल था उसको उठाने में कामयाब हुए इट्स अ कॉस्मॉल्स 6 पहली बॉल पर लगा दिया ऊंचा शॉट खेलने गए गेंद फील्डर के हाथ में यूं इनिंग का खात्मा हुआ जैन की तो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए लेकिन इतना बड़ा शॉट नहीं खेल सके कि बाउंड्री को यहां पर पार करते फील्डर आ गए इसको कैच करने के लिए और एक आसान कैच यहां पर और जैन का पहला नुकसान हुआ यहां पर जो 7 रन बनाने के बाद वापस लौटे 3 गेंदों पर राशिद मलिक की गेंद को पहुंचा दिया है स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर कमाल का शॉट था ये कमाल का ये शॉट लगाना आसान नहीं होता आसिफ खान इस को स्ट्रेट खेला है बिल्कुल अपने वेट को थोड़ा शिफ्ट किया और क्या कमाल का फुल टॉस गेंद मिल गई थी बनी बनाई कि इस पर हमला किया यहाँ पर जी हाँ जैसे आपने कहा आसान नहीं होता यकीनन मेरे लिए तो आसान नहीं था ये शॉट अगर आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या ये शॉट खेल सकता हूँ तो इसका जवाब है नहीं इस गेंद को उठाकर खेला है फील्डर आ रहे हैं यहाँ पर इसको कैच करने के लिए आए 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 और ये गेंद क्या खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया हवा में उछले अपने दोनों हाथों को बुलंद किया आसमान की जानेब और उसके बाद गेंद को अंदर धकेल दिया वाओ ब्यूटी और मेरा ख्याल है अंपायर इसको चेक करेंगे कि आया ये क्लीन सेव है या नहीं और मेरा ख्याल से तो इतना जबरदस्त सेव किया क्लीन सेव किया खुद बाउंड्री के बाहर चले गए और हवा में जब तक ये रहे तब उन्होंने बॉल से कनेक्शन किया और उसके बाद गिरने के बाद गेंद जो है वो चली गई तो आई थिंक इट्स अ क्लीन सेव और बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क और इस बार ऊंचा शॉट खेला है और अब एक और तीसरा छक्का इस इनिंग का आ गया और टूर्नामेंट का 243वां छक्का है चौथा रोज है आज छक्कों की तादाद चौकों से कहीं ज्यादा है ये देखिए अब गेंद की लाइन को पिक कर लिया था और बहुत आसानी से खेले ये एरिया ग्राउंड का ऐसा है कि जहां पर हवा का दबाव ज़्यादा नहीं है यानी मुखालिफ सिम से हवा नहीं आती इस बार ऊंचा शॉट था और कनेक्ट करने में यहां पर रहे कामयाब गेंद गई है 6 रन के लिए इस बार लेकिन शायद देर हो गई है
लेकिन फिर भी 6 रन यहाँ पर जरूर हासिल करने में जो है वो कामयाब रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह हम चेप बॉल की बात कर रहे हैं, देखें इनको एक गेंद मिल गई थी डाउन द लेग साइड और उसको फ्लिक कर दिया बड़ी आसानी के साथ 6 रन के लिए। सो यस, ये जैज सुपर बॉल है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर करने के लिए तैयार है। इस गेंद को ऊंचा खेला और गेंद गई 6 रन के लिए, 6 के मिले 12 यहाँ। क्या बात है यार, क्या बात है, एक दर्जन रन एक ही झटके में हासिल कर लिए। अर्षद पठान समझाते हुए कि वाह ऐसी शॉट खेलो। और अभी अभी हमारे स्कोरर जो उन्होंने अपडेट दिया है कि यहाँ पर अगर ये 5 गेंदों पे 22 रन बनाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे आगे। ये जो रन हैं 5 गेंदों पे 22 वो हासिल किए जाएंगे। तो फिर अहमद खुल्फी यहाँ पर आ रहे हैं, ये फुल टॉस गेंद है, इसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया लेकिन ये गेंद सीधा चली गई फील्डर के हाथों में और अहमद खुल्फी को अचानक से विकेट जो है वो मिल गई है जिसका अंदाजा इनको नहीं था, क्योंकि जिस तरह से गेंद की थी उसको देख के लग रहा था शायद ये बाउंड्री के बाहर जाएगी। टाइमली जंप और शावेज केपी की इनिंग का खात्मा किया इस तरह से। क्वालिफाई करने के लिए 22 रन की जरूरत है। गुड बॉल और आउट। अर्षद पठान रन आउट होकर वापस जाते हुए बहुत मायूस अर्षद पठान। मेरा ख्याल है चाह रहे थे ये स्ट्राइक लेना, इनको ये बात पता थी किसी तरह स्ट्राइक जो है वो इनको मिल जाए क्योंकि ये काफी देर से मौजूद हैं, लेकिन कोई गलती नहीं की यहाँ पर और सीधा जो थ्रो ही वो स्टंप्स पर आकर लगी और अर्षद पठान यहाँ पर आउट होने के बाद वापस लौटे। 14 गेंदों पे 16 रन बनाए। एक दफा फिर थोड़ा सा डबल माइंडेड हुए और स्ट्रोक को थोड़ा लेट खेला है और इसके साथ ही यहाँ जो 5 ओवर्स हैं मुकम्मल हुए हैं और इन 5 ओवर्स मुकम्मल होने के बाद जो सूरत हाल है वो ये रही कि 55 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर और इस तरह से इस मैच में यहाँ पर शिकस्त हुई है पूरे 50 रन से।